गाड़ी में टक्कर लगने के विवाद में मार दी गोली, युवक की मौके पर मौत। समान थाना क्षेत्र के निरंजन मेडिकल स्टोर के सामने रात 12 बजे घटी घटना, क्षेत्र में मचा हड़कंप। रीवा एसपी राकेश सिंह ने आरोपियों के ऊपर किया 10,000 का इनाम घोषित। रीवा के समान थाने से चंद कदम दूर गाड़ी में टक्कर लगने के विवाद में नए बस स्टैंड रीवा में सफारी सवार युवकों ने मोटरसाइकिल सवार के ऊपर गोली दाग कर जान ले ली। घटना रात्रि करीब 12 बजे की है। क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दो पक्षों के बीच हो रही मारपीट के दौरान एक युवक ने गोली चला दी। लगातार 3 फायर हुए जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई और एक युवक को गोली लगी जो मौके पर ही धराशाही हो गया, जिसे आनन फानन में उसके साथियों ने उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक दीपक मिश्रा पिता बालकृष्ण मिश्रा उम्र 23 वर्ष निवासी बिछिया, अपने 4 अन्य साथी रोहित सोंधिया, नंदू तिवारी, कमली साकेत एवं रवि सोंधिया के साथ कमली साकेत को छोड़ने चोरगढ़ी जा रहा था। पांचों युवक स्कूटी और पल्सर में सवार थे। जैसे ही युवक नया बस स्टैंड निरंजन मेडिकल स्टोर के सामने पहुंचे, सफारी सवार युवकों ने अपनी गाड़ी से कट मार दिया तो पांचों युवकों ने गाली गलौज कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। स्कूटी और पल्सर सवार 5 की संख्या में थे, जबकि सफारी सवार 2 युवक बताए जाते हैं। पांचों युवक जब दोनों के ऊपर टूट पड़े तो अपने पास पर रखी पिस्टल से एक युवक ने पहले हवाई फायर की। इसके बावजूद जब उनके साथ पांचों युवक बेल्ट से पिटाई करते रहे तो उन्हीं में से किसी युवक ने दीपक मिश्रा के सीने में गोली मारी। गोली लगते ही युवक भागने लगा तो एक और फायर किया जो पीठ में लगा तो दीपक मौके पर धराशाही हो गया था। बताया जा रहा है कि युवक के सीने और पीठ में गोली लगी है। घटना के बाद सफारी सवार युवक भाग निकले। गोली लगने से घायल हुए दीपक मिश्रा को साथियों ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी समान पुलिस को हुई तो मौके पर CSP प्रतिभा शर्मा, बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर मुआयना किया। बताया जाता है कि पुलिस को कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मृतकों के साथियों में रोहित सोंधिया बिछिया थाना क्षेत्र का हत्या के प्रयास का आरोपी है, जबकि अन्य साथियों के खिलाफ भी गंभीर मामले थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार मिश्रा। क्या घटना हुई है? ये कल रात की घटना है, 11:30 बजे के लगभग। 11 बजे हमको यहाँ से फ़ोन आया तो हम यहाँ आए तो देखे तो गोली लगी थी उनके सीने के पास और कमर के पास 2, और बाकी अब इसके बाद जो हो अभी पंचनामे में भी लेट हो रहा है, है ना? किनको गोली लगी, क्या नाम है? हमारे बड़े भाई हैं दीपक मिश्रा जी। कहाँ पर घटना हुई है ये? अब नेहरू नगर गेट के पास बता रहे हैं। घर से किसके साथ निकले थे, कुछ बता कर? घर दोस्तों के साथ निकले थे, बर्थडे पार्टी की कुछ ऐसी वो थी, और हमें लगता है कि उनको सोची समझी साजिश के दौरान उनमें ये किसी ऊपर शंका है, कौन करवा सकता है? शंका किसके ऊपर बता दे, ऐसा कुछ भी किसी नहीं से है। कोई पुराना विवाद? ऐसा कुछ भी नहीं है पुराना विवाद, पर यह है कि कुछ लोग हैं जो हमें नहीं है। जिनकी मृत्यु करते क्या थे वो? हमारे घर में ही रहते हमारे साथ। हाँ बस बस, अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, और पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। हम लोग कितने बजे की घटना होगी लगभग? रात 11 बजे के कल 11:30 बजे के लगभग बात है ये, और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, है ना? हम लोग परेशान हैं, सुबह 8 बजे से आकर यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? एक सफारी चालक जैसा कि बताया जा रहा है और एक दो दोपहिया वाहनों पर सवार 5 लोगों के
बीच विवाद हुआ, उस विवाद के क्रम में दोनों में हाथापाई की नौबत आई, जिसमें सफारी में बैठे एक व्यक्ति ने एक पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी चलाया, उससे चार राउंड फायर हुआ, जिसमें दो राउंड की गोली एक व्यक्ति के सीने और पेट में लगी, जिससे वो घायल हुआ और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नहीं कुछ नहीं, हमको जो भी उस इलाके के लोग हैं, संदेही हैं, उनको ला रहे हैं, उनको पहचान करा रहे हैं। अभी तक कोई संदेही नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन यह है जो व्यक्ति संदेही हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों का उस हुलिया से मेल खा रहा है, उस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। इनको बता रखा है इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो हमको बताएं और हम पहचान कराएंगे। इन लड़कों ने उन लड़कों को अच्छी तरीके से पहचाना है, तो इससे हमें अभी सहूलियत होगी। इसके स्केचिंग वगैरह हम तैयार भी कराएंगे। रही बात इस मामले में, एक विवेचना टीम का गठन किया गया है, विनोद सिंह हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में विवेचना टीम बनाई गई है, और जो भी आरोपियों के बारे में जानकारी को लेकर 10,00,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया।